चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 6.5 नॉइज पोल्यूशन के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यू एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक एंड चिट चैट विद फ्रेंड्स, बट द रनिंग ऑफ मशीन्स, द रोर ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड मूविंग ट्रैफिक मेक साउंड्स व्हिच आर लाउड एंड अनप्लीजेंट। अब देखिए, आपको संगीत या अपने दोस्तों के साथ बात करने में अच्छा लगता होगा, लेकिन जब मशीनों के चलने तथा लाउड स्पीकर का जो शोर होता है, या जब रास्ते में जो ट्रैफिक होता है, यातायात होता है, उसमें जो ध्वनि निकलती है, ये आपको बहुत ही खराब लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट व्हाइल अदर्स आर नॉट। अब कुछ ध्वनि ऐसी होती है जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। एनी अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। कोई भी ऐसा आवाज या ध्वनि जो आपको परेशान करती है, जिससे आप परेशान होते हैं, उसे आप नॉइस कहते हैं। हिंदी में इसको आप शोर कहते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब ये जो ध्वनि प्रदूषण है, इसके स्रोत क्या है? लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखिए, एंड आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, और ये देखिए, पहचानिए कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो किन किन कारणों के वजह से होती है, कहां से होती है। सम ऑफ देम मे बी, अब उनमें से कुछ हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, मोटर वाहन, रेलगाड़ियां, विमान, लाउड स्पीकर, रेडियोज, टेलीविजन, वेन प्लेड एट फुल वॉल्यूम, जब आप लाउड स्पीकर, रेडियो या टेलीविजन को ऊंची आवाज में चलाएंगे, इंडस्ट्रीज एंड मशीन्स, अब देखिए उद्योग या मशीन, इसमें से जो आवाज निकलता है वो भी एक प्रकार का शोर होता है। आगे देखिए 6.5.2 इफेक्ट्स, प्रभाव। व्हाट हैपेंस व्हेन यू हियर लाउड नॉइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप लंबे समय तक तेज आवाजों को सुनते हैं तो क्या होता है? They tend to disturb us, strain our nerves, cause headache and mental disturbance. अब ये जो आवाज है वो आपको परेशान करने लगती है, आपके जो नस है, नर्व्स है, उन पर दबाव डालती है, आपको सिरदर्द होने लगता है। They can also affect the hearing ability of an individual. अब इससे आस्ते आस्ते आपकी जो सुनने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो भी कम होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। You must have noticed that quite often factory workers, pilots and drivers who are exposed to very loud noise over a long period of time gradually lose the ability to hear soft sounds properly. अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो पायलट होते हैं या जो ड्राइवर होते हैं, जो शोर वाले वातावरण में रहते हैं, अक्सर वो धीमी आवाज में कही गई बात ठीक से सुन नहीं पाते हैं। They become hard of hearing, their eardrums get damaged, sometimes leading to deafness. अब देखिए, उनके जो कान के पर्दे हैं वो खराब हो जाते हैं, कभी कभी वो बहरे भी हो जाते हैं। Exposure to noise pollution can also cause stress and mental instability. अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति शोर में रहेगा तो उसका तनाव बढ़ेगा और हो सकता है कि उसकी मानसिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। 6.5.3 ways to control noise pollution. अब ध्वनि प्रदूषण जो है उसको नियंत्रित करने का क्या क्या तरीका है, माध्यम है, उसको देखिए। It is impossible to get rid of all noise completely, but we can definitely reduce them. अब देखिए, सभी प्रकार से शोरों या ध्वनियों से छुटकारा पाना, पूरी तरह से छुटकारा पाना संभव नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को कम से कम रूप में शोर की मात्रा को कर सकते हैं। Following are the some of the suggestion for reducing noise pollution. अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण जो है उसके कम करने के कुछ सुझाव यहाँ पर लिखे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। Playing radios and televisions at low volume. आप जो रेडियो और टेलीविजन चलाते हैं उसको धीमी आवाज में चलाएं। Avoiding the use of loudspeaker. आप loudspeaker का इस्तेमाल ना करें। Talking in low tones. आप जब बात करें तो आप आस्ते आस्ते बात करें, आपकी आवाज काफी तेज ना हो। यूजिंग ऑफ व्हीकल हॉर्न्स ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी, जब जरूरत हो तभी आप अपने वाहन का जो हॉर्न है उसको बजाएं। गेटिंग साइलेंसर फिटेड इन द इंजन ऑफ व्हीकल्स, अब जो
व्हीकल है, वाहन है, उसके इंजन में आप साइलेंसर लगाएं। बिल्डिंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, अब जो रेसिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाके जहां लोग रहते हैं, उससे दूर आप फैक्ट्रीज बनाएं। बिल्डिंग एयरपोर्ट्स फार अवे फ्रॉम द सिटी लिमिट्स, अब जो आपका शहर है उससे आप बाहर हवाई अड्डों का निर्माण करें, क्योंकि जो जहाज है उसका बहुत ज्यादा आवाज होता है, बहुत शोर होता है उससे। आगे देखिए एक्टिविटी 6.4, गतिविधि 6.4। स्टैंड एट द गेट ऑफ योर हाउस, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वेरियस साउंड्स प्रोड्यूस इन योर एनवायरमेंट। अपने घर के दरवाजे के पास खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपके आसपास से आने वाले अलग अलग आवाजों को सुनिए। लिस्ट डाउन द प्लीजेंट एंड द अनप्लीजेंट साउंड, अब आप लिखिए कि कौन कौन सा ऐसा आवाज था जो कि आपको अच्छा लगा और कौन सा ऐसा आवाज था जो आपको परेशान कर रहा था। सजेस्ट सम ऑफ द वेज टू रिड्यूस साउंड्स दैट यू वुड कॉल नॉइस, अब वह आवाज या वह ध्वनि जिसको आप शोर कहेंगे उसको आप कैसे कम कर सकते हैं वो आप बताइए। सम प्लीजेंट साउंड, अब कुछ ऐसे आवाज जो अच्छे लगते हैं हम लोगों को। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जो चिड़ियों का आवाज होता है वो हमें अच्छा लगता है। सॉफ्ट म्यूजिक फ्रॉम द हाउस, घर से जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है। व्हिस्परिंग ऑफ किड्स, जो बच्चे बात करते हैं वो। सम अनप्लीजेंट साउंड, अब कुछ ऐसा ध्वनि जो हम लोग को परेशान करता है। साउंड फ्रॉम द मूविंग ट्रैफिक एंड देयर हॉर्न्स, अब जो यातायात हो रहा है, जो गाड़ियां चल रही हैं उनका आवाज, जो हॉर्न हो रहा है उसका आवाज। साउंड फ्रॉम अ साइलेंसर फ्री व्हीकल, अब ऐसा वाहन जिसमें साइलेंसर नहीं लगा है तो वो बहुत आवाज करता है। लाउड साउंड फ्रॉम द वाटर मोटर्स, अब जो हम लोग वाटर मोटर चलाते हैं उससे जो तेज आवाज निकलता है वो हम लोग को परेशान करता है। लाउड साउंड ऑफ टेलीविजन फ्रॉम नेबरहुड, आपके आस पड़ोस से जो टेलीविजन चलाया जा रहा है तेज आवाज में वो हम लोग को परेशान करता है। द वेज टू कंट्रोल दीज नॉइज पोल्यूशन कैन बी, अब कैसे हम लोग ये जो ध्वनि पोल्यूशन है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इंस्टॉल साइलेंसर इन द व्हीकल्स, आपके वाहन में आप इस साइलेंसर लगा लीजिए। अवॉइड हॉन्किंग, आप जितना हो सके हॉर्न का इस्तेमाल ना करें। टेलीविजन एक्सेट्रा कैन बी प्लेड एट लो वॉल्यूम, अब जो टेलीविजन है उसको आप कम आवाज में चलाएं। अब देखो व्हाट हैव यू लर्न्ड, आपने क्या सीखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िए बार बार। इससे बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है। यू हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग बींग्स, आप इस पार्ट में अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों तथा सभी जीवों पर उनके हानिकारक प्रभाव का पढ़ाई किए, उसके बारे में पढ़े। यू हैव ऑल्सो लर्न्ड अबाउट सम मेजर्स टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, अब जो वीडियोज को लाइन से पढ़ रहे हैं वो ये भी पढ़े कि ये जो पोल्यूशन है, अलग अलग प्रकार का जो प्रदूषण है, इसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन आवर हैंड्स, अब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े वो पढ़ने के बाद जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो प्रदूषण है उसको हम लोग पूरी तरह से नियंत्रित करना हमारे हाथों में ही है। वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक बाई यूजिंग फ्यूल्स दैट आर स्मोक फ्री, by keeping our vehicles in perfect order so that they do not emit smoke, by putting tall chimneys in the factory for smoke to go out in the sky and so on. अब देखिए हम धुआं रहित ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाहनों में, हमारे जो गाड़ी है वाहन है उसको सही अवस्था में रख सकते हैं ताकि उनमें से धुएं ना निकले। फिर जो उद्योग होते हैं, धंधे होते हैं, वो लोग ऊंची ऊंची चिमनी लगाएं ताकि जो धुआं निकले वो आकाश की ओर चला जाए। These little efforts of ours will save people from going blind and suffering from diseases of respiratory tract. अब ये जो हम लोग जो छोटा छोटा प्रयास करेंगे इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो उनको प्रभावित नहीं होंगे, वो अंधे नहीं होंगे, उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। It is for us to see that we can reduce noise pollution to a minimum and thus save people from becoming deaf or mentally unstable. अब देखिए ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कितना कम से कम कर सकें ताकि हम लोगों को बहरे होने से और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से बचा सकें। वी अलोन कैन एनफोर्स स्ट्रिंगेंट लॉ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन एंड दस सेव पीपल फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड हेपेटाइटिस। अब देखिए हम लोग
जो जल प्रदूषण है उसको रोकने के लिए सख्त नियम बना सकते हैं, और इस प्रकार लोगों को हम लोग दस्त के बीमारी से, फिर डिहाइड्रेशन से, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी से बचा सकते हैं। आवर वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, हमारा जो ये विश्व है ये बहुत ही सुंदर है। वी मस्ट इंजॉय लिविंग हियर, हमें इसमें रहने का आनंद अवश्य लेना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पॉइल द नेचुरल ब्यूटी बाय आवर फुलिश एक्ट्स ऑफ डेफिकेटिंग, यूरिनेटिंग एंड स्पिटिंग इन एवरीवेयर, कटिंग ट्रीज indiscriminately and littering our neighborhood with materials and products which are not environment friendly. अब देखिए, हमें यहां वहां शौच या पेशाब करके, पेड़ों को अंधाधुंध काट कर, या पर्यावरण के लिए हानिकारक सामग्री और वस्तुओं से इसे गंदा करने जैसी बेवकूफी वाली कार्य नहीं करनी चाहिए, और हमारा जो प्रकृति है उसको हम लोगों को सुंदर रखना चाहिए। Let us pass a resolution and make a promise to ourselves henceforth. अब आइए यह संकल्प करें और स्वयं को यह वादा करें कि हम, I promise, मैं वादा करता हूं, to plant trees and take care of them, कि मैं पेड़ लगाऊंगा और उनका ध्यान रखूंगा। Not to let people cut trees, मैं लोगों को पेड़ काटने नहीं दूंगा। To use smokeless fuel in my kitchen, मैं अपने रसोई में धुआं रहित इंजन का प्रयोग करूंगा। To protect water source from pollution, अब जहां से हम लोग को पानी मिलता है जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाऊंगा। Not to waste purified water, अब जो पानी हम लोग प्यूरिफाई किए हैं, शुद्ध जल है, साफ पानी है, उसको हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। To play radio और television at low volume, हम लोग रेडियो और टेलीविजन कम आवाज में सुनेंगे। Not to use loudspeaker, हम लोग loudspeaker का इस्तेमाल नहीं करेंगे। To keep my vehicle pollution free, मैं अपने वाहन को pollution, प्रदूषण मुक्त रखूंगा। To dispose of garbage in a sanitary way, अब जो कूड़ा करकट है उसको सही तरीका से उसका निपटान करूंगा। To use sanitary latrines, मैं स्वच्छ व साफ शौचालय का प्रयोग करूंगा। To treat factory waste and sewage before disposal, अब देखिए फैक्ट्री से या sewage से जो गंदगी निकलता है उसको मैं पहले उसका उपचार करूंगा, फिर उसको डिस्पोज करूंगा। टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के जो पानी है उससे हम लोग बचाएंगे, उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। टू फिल्टर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए जो पानी है उसको पहले हम लोग छानेंगे या शुद्ध करेंगे। टू डिस्क्रिमिनेट एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर और एंड इंसेक्टिसाइड्स, अब देखिए जो उर्वरक होते हैं और जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग का बहिष्कार हम लोग करेंगे। टू यूज साइलेंसर टू रिड्यूस नॉइज, अब देखिए ध्वनि को कम करने के लिए हम लोग साइलेंसर का प्रयोग करेंगे।